गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगलों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगलों, हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगलों। किसका? तो हिंदी का। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 9 बगलों, जिसका नाम है प्रगति और समाज, है ना, प्रगति और समाज। तो चलिए बगलों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको 36 क्वेश्चन दिया गया है बगलों। कितना है? 36 क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि इस 36 क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाइए ईमानदारी से, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो इससे क्या होगा, तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा, है कि ना। तो चलिए बगलो, शुरू करते हैं वीडियो को। तो ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, नंबर सिंह। कौन है बगलो? तो नंबर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दो देखते हैं बगलो, ध्यान से बनाइएगा। कहता है वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नंबर सिंह, है ना, नंबर सिंह। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि नंबर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? नंबर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, बकल, है ना, बकल बकल मसूद, बकल मखूद, बकल मखूद बगलो, है ना, बकल मखूद। नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है ना, बकल मखूद, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। कहता है नंबर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? नंबर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रगति और समाज, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 5 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा बगलो, है ना। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है चरम, है ना, वैकित्ता, है ना, वैकित का ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? चरम वैकित, है ना, वैकित का, वैकित का किस परम सामाजिकता है, किस सामाजिक, है ना, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है बगलों? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रगति और समाज। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद संवाद से, वाद विवाद संवाद से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा नाम रहता है तो थोड़ा पढ़ने में, है ना, जीभ लड़खड़ा जाता है बगल लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है नंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जियनपुर में, है ना, जियनपुर में, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है नंबर सिंह की कौन सी रचना है? नंबर सिंह की कौन सी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता है नंबर सिंह के गुरु कौन थे? नंबर सिंह के गुरु कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग
10 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी एच यू है ना, यूनिवर्सिटी का नाम है बोलो, बी एच यू यूनिवर्सिटी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रगति कैसा काव्य है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध काव्य है ना, प्रबंध काव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बगलो। कहता है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कविता की है ना, किस कवि की कविता का अंश है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह ऑप्शन नंबर ए। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं 13। कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, प्रबंध काव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बोगलो है ना, मुक्ति बोध। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे बोगलो। कहता है सच्चे अर्थों में प्रगति है ना, प्रगितात्मकता का आधार क्या है। सच्चे अर्थों में प्रगितात्मकता का आधार क्या है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। चलिए बगलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे है ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। कौन थे बगलो, नामवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है बीसवीं सदी में है ना प्रगितात्मकता का दूसरा है ना उन्मेष कैसा हुआ। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोमांटिक उत्थान के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से बनाइएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है तन गई रीढ़ किसकी कविता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे बगलो। कहता है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोलो। कहता है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह की। किसकी है बोलो, तो नामवर सिंह की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में कौन है ना प्रलय की छाया के कवि हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता कौन है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे, है ना। 27 देखिए क्या कहता है। 27 कहता है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नंबर सी, है ना, नंबर सी। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तय तो यही था, तय तो यही था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखें, कहता मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति बोध, है ना, मुक्ति बोध। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई 1927 को, 28 जुलाई 1927 को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं, है ना। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, निराला की, है ना, निराला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे बगलो, कहता है प्रगति और समाज के लेखक हैं। प्रगति और समाज के लेखक हैं, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नंबर सी। कौन है बगलो, नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है नंबर सी द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निबंध है बगलो, क्या है, निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे। कहता है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके बगल हो, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आलोचना, है ना, त्रैमासिक के, आलोचना त्रैमासिक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है कमायनी के कवि हैं। कमायनी के कवि हैं, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद हैं। कौन है बगल हो, प्रसाद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय है क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही, प्रगीत, है ना, प्रगीत, प्रगीत, ऑप्शन नंबर ए। तो ए था बगल आज का हम लोगों का, है ना, 32 क्वेश्चन, है ना, हिंदी ऑब्जेक्टिव से। अब आप बताइए बगलो कमेंट करके कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है, है ना, कितना नंबर का सही बनाया, कमेंट करके बनाइए, बताइए, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल लोग। फिर मिलते हैं हम लोग
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।